ऑटो सेक्टर की कंपनी टाटा मोटर की जगुआर लैंड रोवर को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष के शेष अवधि में सेमीकंडक्टर संकट को लेकर स्थिति में धीरे धीरे सुधार आएगी। ब्रिटेन की बहुराष्ट्रीय वाहन कंपनी वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर की कमी से अपने परिचालन पर प्रभाव को सीमित रखने के लिए कदम उठा रही है। वाहन कंपनी ने सितंबर 2021 में समाप्त तिमाही और छमाही के लिए अपनी अंतरिम रिपोर्ट में कहा कि आगे चलकर सेमीकंडक्टर संकट की स्थिति क्या रहेगी, इसका अनुमान लगाना कठिन है। JLR को उम्मीद है कि वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के बाद स्थिति में धीरे धीरे सुधार आएगा। रिपोर्ट में कहा गया, सेमीकंडक्टर की आपूर्ति अभी समस्या है, लेकिन कंपनी इस स्थिति से निपटने के लिए कदम उठा रही है। कंपनी ऊंचे मार्जिन वाले वाहनों के उत्पादन को प्राथमिकता दे रही है और लागत का नजदीकी से प्रबंधन कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया कि जगुआर लैंड रोवर भविष्य में अपने वाहनों के लिए सेमीकंडक्टर की आपूर्ति को नियंत्रण में लाने के उपाय कर रही है। कोवेंट्री मुख्यालय वाले कंपनी ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था COVID-19 महामारी के प्रभाव से अब उभर रही है, लेकिन हाल के समय में विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में संक्रमण फिर से फैलने की आशंका है, जिससे आपूर्ति पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा वित्तीय बाजार तो ऊपर जा रहा है, लेकिन आर्थिक गतिविधियों से मुद्रास्फीतिक दबाव बढ़ रहा है। जींस, बिजली, ढुलाई और मजदूरी जैसे कई क्षेत्रों पर दबाव का असर देखने को मिल रहा है। कंपनी ने कहा कि सेमीकंडक्टर की कमी की वजह से ज्यादातर बाजारों में यात्री कारों की आपूर्ति प्रभावित हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV100 नेशनल।